भीमेश्वर देवी के पवित्र स्थान से आज एक इतिहास लिख दिया, यहाँ तक भर चुका है, नहीं कहता मैं उससे नाराज हूँ। भाई थारा भाई, मैं धनराजा लाल आ चुका हूँ बेरी में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, बेरी का इतना बड़ा स्थल आज जो इतनी भारी संख्या में जो आज जनसंख्या, ये जन सैलाब जो उमड़ा है बेरी के अंदर, उसका मुख्य कारण है श्री भगवान कल्याण जी। श्री भगवान कल्याण जी पूरे बेरी हलके में के हर घर 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 जाकर लोगों को जो भीड़ लेके आने का कार्य किया है, उसका विशेष रूप से श्रेय देना चाहेंगे हम श्री भगवान कल्याण जी को। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री भगवान कल्याण जी, जो प्रतिष्ठित समाज सेवी भी हैं और एक शिक्षक भी हैं। नमस्कार श्री भगवान जी। नमस्कार जी, आप सभी को नमस्कार, आपके व्यूवर्स को नमस्कार, नमस्कार बेरी क्षेत्र के सभी लोगों को नमस्कार। श्री भगवान जी, जो इतना जन सैलाब लेके किस प्रकार आए, मतलब क्या किस कितनी मेहनत की और किस प्रकार ये जन सैलाब उमड़ पड़ा है बेरी में? देखिए, पिछले हम लगभग एक महीने से हर घर पे दस्तक दे रहे हैं, हर घर पे जाके हम अपनी बात को रख रहे हैं, लोग हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं और लोग हमारी बात को सुनकर यहाँ तक पहुँचे हैं। जिस प्रकार जन सैलाब को देखते हुए लगता है कि इतनी भारी संख्या में जो बेरी हल्के से हर घर से एक आदमी जो जरूर आ चुका है, उसके बारे में देखिए, इसमें आपके बार बेरी में बदलाव है, बेरी में बदलाव युवा का बदलाव है। बेरी एक पुराने जो है ना कि पुरानी रीति से बिल्कुल यहाँ तक भर चुका है, उन्होंने बदलाव चाहिए और बदलाव के रूप में वे मेरे को देख रहे हैं और मेरी बात को वे हर लहजे में जो है स्वीकार कर रहे हैं। और मैं भी लोगों का जो है ना यहाँ पहुँचने पर सभी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को सुनकर और यहाँ पहुँचे और मेरा इतना साथ दिया, मेरे को आशीर्वाद देने का काम किया। कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा भी गदगद दिखाई दे रहे थे इतने बड़े जन सैलाब को लेकर, वो काफ़ी खुश थे क्योंकि अब लोकसभा का इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो जिस प्रकार बेरी हल्का की हल्के की जनता का जो दीपेंद्र हुड्डा को साथ मिलने जा रहा है, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? देखिए, आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 36 बिरादरी के नेता हैं, हर व्यक्ति उनसे प्यार करता है, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक उनसे प्यार करता है। मैंने आज तक की मेरे जिंदगी में ऐसा नेता देखा है कि जिस को कोई भी ये नहीं कहता मैं उससे नाराज हूँ, हर व्यक्ति ये कहता है कि दीपेंद्र हुड्डा सबका लाडला। तो दीपेंद्र हुड्डा को देखने के लिए, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी को सुनने के लिए लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। युवाओं की धड़कन बन चुके हैं बेरी हल्के की, विशेष रूप से युवाओं के दिलों में जिस प्रकार कहीं दीपेंद्र हुड्डा छपा हुआ है, कहीं राहुल गांधी छपा हुआ है, उनका जो प्रेम है अलग ही दिखाई दे रहा है युवाओं में, उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? देखिए, ये इतिहास में कभी हमें ऐसा नेता मिलता है और ये हमें फख्र है कि आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे क्षेत्र से आते हैं, हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस क्षेत्र के लिए तो एक जो है ना, मैं कहता हूँ बिल्कुल ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि यहाँ से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ लोगों का जो है साथ और काम और जो है, क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इनके पास ना तो कोई गार्ड है, ना कोई यार्ड है, ना कोई कवाड़ है, लोग कहीं पे रुकवाओ कहीं पे मिलो, इनसे मैं मानता हूँ जन नेता नहीं हो सकता। जी, जो आज भीमेश्वरी देवी का जो इतिहास लिखे जा रहा है इस धरती से, आज क्या संदेश देने वाले दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा? माता भीमेश्वरी देवी के पवित्र स्थान से आज एक इतिहास लिख दिया कि आने वाला समय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा और इस प्रदेश का होगा और ये प्रदेश पुनः खुशहाल होगा।